इस कमरे में ये कॉफी बेच के दिखा। ये कॉफी बेच के दिखा और जॉब ले ले। दो मिनट, यू हैव टू मिनट्स। ये कॉफी बेच के दिखा और जॉब ले ले। बेचती सर खुद को। आपने इस कमरे में ये कॉफी बेचने को कहा, बेच दी। अब अगर असल दुनिया में चांस देना चाहते हैं तो दीजिए। चलो दिया, दो दिन के लिए मुंदुश लो। फोन नंबर? आपके पास मोबाइल फोन तो होगा ना मिस्टर चैरिटी? स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मोबाइल फोन पर्सनल ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करना मना है। यहाँ मिल रही हर इन्फॉर्मेशन को ब्रोकर अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से शेयर कर सकता है। इनसाइड इन्फॉर्मेशन जानता हूँ। हाँ, वेरी इंप्रेसिव मिस्टर चैरिटी। ये चैरिटी, व्हाई? यू नो, एवरी वंस इन अ व्हाइल वादवा जैसे लोग करोड़ों में पैसे कमा के गिल्ट में आके डोनेशंस करते हैं, कभी किसी एनजीओ को, कभी किसी गरीब को। सो बाधवा ने तुम्हें दो दिन दिए हैं अपने खुद के मन को शांति पहुंचाने के लिए, इसलिए चैरिटी। नासा और सब्जी मंडी का सॉलिड कॉम्बिनेशन। हाँ, दो दिन मिस्टर चैरिटी, इस प्लेस में से किसी एक का ट्रेडर बन के दिखा। ओके, गॉट दैट सर। नेक्स्ट क्वार्टर द 20% प्रॉफिट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जरा लिस्ट देखना था। वेंडिट ए डेथ वारंट, इसको भी डेथ वारंट इशू हुआ है। डेथ वारंट? रिजवान अहमद, ये वो 50 नाम है जिन्हें हमारी कंपनी पिछले 2 साल से इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। सर 250 में 2,000 यहाँ बैठा हर कोई ट्राई मार चुका है और अपनी मरवा चुका है। साइरस दलाल फैमिली ट्रस्ट फंड, सौरत मेहता डायमंड ट्रेडर, यस यस सर, रोमिल सेठ क्रिमिनल लॉयर, नीतू पंजाबी, ध्रुव कालरा, तनवीर सिंह आर ऑल सीईओस। तो ये लोग मुझे अपने ट्रेडर क्यों बनाएंगे? है तू स्मार्ट, बट तेरी डेस्क अनलकी है। क्या डेस्क अनलकी मतलब? सुबोध चटर्जी बैठता था इधर। एक दिन खड़ा हो गया, पीपल से कि वो बाहर किसी को इनसाइड इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा था। किसे? है कोई जिसका पता सबको है पर खबर किसी को नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर दलाल। यस, हाँ जी, हमारा नाम रिजवान अहमद है, आपके पास 2 मिनट चाहिए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी। हेलो मिस्टर दलाल सर। एंड सोल्ड टू मिस्टर नायडू। अरे सर, हमने खुद ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। जी सर, पिछले क्वार्टर में ही। हेलो, अरे क्या बात है सर, अरे हमारे पेरेंट्स की भी वेडिंग एनिवर्सरी जनवरी में। 15, 20 फरवरी, 25 मार्च। And sold to Mr. Gaurav Chawla. And now, artist Arzan Khambata का ये खूबसूरत पीस। मिस्टर कोठारी, आप तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। कम ऑन मिस्टर कोठारी, मेरे लिए प्लीज। 50 लाख तारा माटे।
60 lakhs for a good cause. 65 70 75 80 85 90 95 1 crore ले लो. और ये पीस जाता है मिस्टर संदीप तलवार को 1 crore के लिए. थैंक यू सो मच संदीप. अग्नि फार्मा भूल जा एग्जाम्पल सेट कर रहा था. हाउस मेकिंग एग्जाम्पल था. तेरे बाप ने समझा विषय. मैंने 100 रुपये का कूड़ा तुझे 1 crore में बेच दिया फॉर माई कॉज. मेरा चैरिटी फंक्शन है. काम पे ध्यान दे दीपू. संदीप तलवार लेडीज एंड जेंटलमैन. चैरिटी अगर कूदने का प्लान है ना तो सामने वाले ऑफिस से ट्राई करो. स्मार्ट टाउन मेंटालिटी. तुम्हें किससे प्रॉब्लम है? हमारे छोटे शहर से होने से या हमारे होने से? हाँ हम तुम्हारे टाइप के नहीं है ना. माय टाइप? खानदानी रईस, फ्लुएंट इन इंग्लिश, थाली पे सबसे जाके मिलता हुआ टाइप्स. अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? Born with a silver spoon, ना? Don't go there. तुम मुझे नहीं जानते. और तुम मुझे नहीं जानती. हम यहाँ कूदने नहीं, उड़ने आए. जो सपने तुमने मरीन ड्राइव पर बैठ के देखे वो ही सपने हमने इलाहाबाद के छत पे देखे. और सपनों की एक खासियत है, सपने कभी मरने नहीं देते. स्मॉल टाउन मेंटालिटी. मंत्री जी से बात हो गई है. सेटिंग हो जाएगी जल्दी. आप थोड़ा इत्मीनान रखिए. हम धंधा करने वाले व्यापारी लोग हैं दुबे जी. हमें सिर्फ प्रॉफिट समझ में आता है. ताबड़तोड़ बिना मगज मारी 200 करोड़ दिए हैं आपको. जी वो मैं बस थोड़ा सब्र मांग रहा हूं आपसे. सब्र की कीमत लगेगी दुबे जी. फार्मा मिनिस्ट्री में कितनी अच्छी पहचान है आपकी. यार अग्नि फार्मा को लग गई माय फ्रेंड्स. स्टॉक क्रैश होने वाला है आज. रिस्क ऑफ रूमर्स. ट्रेडिंग की दुनिया में एक छोटी सी अफवाह बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है. रूमर्स फैलाने के लिए शक्कर ने अपने कुछ स्पेशल टीम प्लेयर्स का इस्तेमाल किया है. पहला प्लेयर प्रिंट रिपोर्टर. हेलो. प्लेयर नंबर 2 न्यूज एंकर. शक्कर का आदमी प्राइम टाइम न्यूज एंकर के टच में आता है और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है. अग्नि फार्मा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हुई हलचल. सुनने में आ रहा है कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस्तीफा देंगे. तीसरा प्लेयर ब्लॉगर. ये सेम इंफॉर्मेशन हर जगह पास ऑन की जाती है और धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन न्यूज की शक्ल लेती है और ऐसे ही एक अच्छी खासी कंपनी की कुंडली बदल जाती है. ऑफ कोर्स ये टीम में हर प्लेयर का फायदा है. सर 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 हैज अग्नि फार्मा डायबिटीज ड्रग फेल्ड द एफडीए अप्रूवल. नो कमेंट्स. तमाशा शुरू हो गया. काम हो गया शकुन साहब. अग्नि फार्मा के साथ तेरी भी लग गई ब्रो.
लास्ट नेम ऑफ द लिस्ट, संदीप तलवार. राइट नाउ संदीप तलवार मस्ट बी गेटिंग हिज टेकन बाय द बोर्ड मेंबर्स. These are baseless rumors, Vijay. The drug hasn't even been sent for approval yet. The media is going on. TV par, paper mein, aur ab ye, social media. Two options. Allahabad ka return tickets. Yeah, last call. Agni Pharma ka stock price dekha hai? 40 point ka drop. Kya kehna hai tumhara is baare mein? Call. अग्नि फार्मा तुम्हारी प्रॉब्लम है. आई वुड से सेल इट. बेच दो संदीप. या व्हाट? हेलो मिस्टर तलवार. जी सर, मैं रिजवान अहमद बोल रहा हूँ कैपिटल ब्रोकिंग से. आपका बस एक मिनट चाहिए था सर, जो आपकी किस्मत बदल सकता है. तू मेरी किस्मत बदलेगा यू डफर? चल दिया. लेकिन मैं खरीदना नहीं बेचना चाहता हूँ. 2 लाख शेयर्स हैं अग्नि फार्मा के 200 के रेट पे. बोल. बदलेगा मेरी किस्मत? सर एक मिनट. हेलो, सुनिए. हेलो, अग्नि फार्मा 2 लाख शेयर 200 के भाव पे. अग्नि फार्मा. अबे ओए, दिमाग के मामले मत कर भैया से. अरे जो कंपनी 20 साल से खड़ी है वो 20 घंटे में गिर नहीं सकती. अरे भाई जाना क्यों पका रहा है यार? अरे अग्नि फार्मा एक टॉप 25 कंपनी है. ए चल चल. अरे दिकरा तू जा बाबा जा. Trust me, it's Agni Pharma. Sir, trust me, the market will correct itself. Agni Pharma का भाव बढ़ेगा. Sir, come on. 20 साल की goodwill versus 20 news report से बदनामी. Sir, Agni Pharma is a top 25 company. I have a buyer at 198. I have a buyer at 198. Sir, buy at 198. Sell. 2 lakh shares at 198 bought. 2 lakh shares at 198 sold. मुबारक हो अग्नि फार्मा में आपका 14% स्टेक डन. 198 के भाव पर 2 लाख शेयर्स. अच्छा खासा 250 का भाव ऑफर किया था दीपू. अरे दीपू's old news brother. नया सुन. झरना एग्रो इज टाइंग अप विद रिगांटो. Oh, that's wonderful. Exactly. और ये तो तू जानता ही है कि रिगांटो जिस मार्केट में एंट्री लेती है वहां की लीडर तो बन ही जाती. बस अब कल दोपहर तक अनाउंस हो जाएगा और मेरा 550 रुपए का स्टॉक 700 छू जाएगा. एंड एज वी स्पीक मेरे पास झरना एग्रो के 10 लाख शेयर्स हैं. बेच दीजिए. झरना एग्रो सर्किट सीलिंग टच करेगा पर गिरावट की. अच्छा तू है कौन साले? सर मेरा नाम रिजवान अहमद है. I work at Capital Broking. किशोर वादा बाहर खड़ा है. बात करूं? एक सेकंड में एक्स कैपिटल ब्रोकिंग हो जाएगा. सर मैं बस आपका लॉस बचा रहा था. ओके. अगर इसकी बात सही निकली तो अगर झरना एग्रो ने 700 टच नहीं किया तो? और किया तो? तो मैं तेरे 10 लाख शेयर्स
1100 के डबल भाव पे खरीदूंगा। That's 110 crore, Shakun. मैं मैथ्स पहले करता हूँ, बाद बाद में। Okay. You have a deal. शेयर मार्केट में झरना एग्रो के शेयर्स पर सबकी निगाहें और शेयर्स ने लगातार उछाल दिखाना शुरू किया। मार्केट ओपनिंग से ही ये स्टॉक बढ़त दिखा रहा है। प्रिया, नॉट राइट नाउ। झरना एग्रो और रिगांटो का मर्जर अनाउंस हो चुका है। स्टॉक रॉकेट। स्टॉक प्राइस ऑफ झरना एग्रो नाउ टचिंग 600 रुपीस पर शेयर। इट माइट इवन गो अप फर्दर दिस आफ्टरनून। और अभी भी खबर आई है कि दिल्ली के जंतर मंतर में किसानों का मोर्चा आज यहां तक पहुंच चुकी है कि दिल्ली की पुलिस को जंतर मंतर पहुंचना पड़ गया। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, फार्मर्स नॉट एट ऑल हैप्पी विद द न्यूज ऑफ रिगांटो कमिंग टू इंडिया। सारी ऑपोजिशन पार्टीज किसानों के साथ जुड़ चुकी हैं। ऑपोजिशन पार्टियों का ये कहना है कि रिगांटो को हिंदुस्तान के अंदर घुसने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जहां एक तरफ किसानों का विरोध बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ झरना एग्रो के शेयर्स का दाम बढ़ना रुका। स्टॉक मार्केट को झटका, झरना एग्रो गिरता हुआ नजर आ रहा है। आज की सबसे धमाकेदार खबर, किसान विरोध देखकर सरकार ने ये फैसला लिया है कि झरना एग्रो और रिगांटो का मर्जर नहीं होगा सफल। मुझे कैसे पता था कि झरना एग्रो का स्टॉक गिरेगा? सर, मैं बाजार के पीछे का इमोशन पढ़ता हूं। सर, रिगांटो की हिस्ट्री कहती है दैट ये कंपनी जिस भी कंट्री में जाती है वहां लैंड एक्वायर करती है, जमीन। इंडियन फार्मा का प्राइड। सर, किसान भूखा मर जाए पर जमीन ना छोड़े, और ये बात शायद झरना एग्रो की बोर्ड ना समझ पाए, ना ये IIM ग्रेजुएट्स, पर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लड़का समझ गया। स्मॉल टाउन मेंटालिटी। तू इमोशन पर चलता है, मैं मैथ्स पर। मजा उसे। ये 100 करोड़ में तुझ पर खेल रहा हूं, लेकिन याद रहे मेरे दो ही रूल हैं। रूल नंबर 1, मेरा पैसा कभी खोना नहीं, और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 कभी भूलना नहीं। आइए सर, एकदम लकी घर है। यहाँ जो पहले किराएदार रहता था ना, बस 2 महीने में एकदम ऊंचाई पे पहुंच गया। अपने खुदा तक पहुंच गया था, लेकिन खुदा जमीन पर नहीं, ऊपर आसमान में बसता है, ऊंचाई पर। और ऊंचाई पर पहुंचने की एक ही प्रॉब्लम है, साला गिरने पर टूटना पक्का है।